अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है कि अभी तो ये सब आपको देख के कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या समझाना क्या मैं चाह रहा हूँ, मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, आखिर मैं YouTube से गायब था क्यों और था कहाँ। तो मैं आपको सब शुरू से समझाता हूँ, सब बताऊँगा कि मैं कहाँ गायब हूँ, वीडियोस क्यों नहीं आ रही, और झलमक्सी की वीडियो का प्रोमो अपलोड करने के बाद उसकी कंप्लीट वीडियो क्यों नहीं आई, सब मैं बताऊँगा, प्यार से समझाऊँगा। तो चलें बैठ जाएँ, समझाते हैं। तो यार बात कुछ ऐसी है कि मैंने झलमक्सी की कंप्लीट वीडियो एडिट की और सब कुछ फाइनलाइज़ किया, उसके बाद मैं अपनी इवेंट में एक में बिज़ी हो गया, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का एनुअल इवेंट आता है द ग्रैंड ईव, तो मैं उसके काम में बिज़ी हो गया। मतलब मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो अपलोड करने का, बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद हब जीब्रेली आ गई। मैं हब जीब्रेली की वीडियो मतलब कंप्लीट सीक्वेंस कर चुका था, सब कुछ बना चुका था, कि बीच में ग्रैंड ईव के कामों में आई वॉज टू मच बिजी। 29th of January को ग्रैंड ईव ख़त्म हुआ, उसी रात को मैं वापस आया, मैंने अपना सारा डाटा कॉपी किया अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, और उस रात तो मैं सो गया बहुत सुकून के साथ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो डाटा कॉपी करना मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, मतलब बहुत भारी पड़ेगा। तो हुआ क्या, तो हुआ ये कि डाटा कॉपी करने के बाद मैंने अपनी हार्ड ड्राइव रखी, पिक्चर्स कुछ पिक्चर्स एडिट की। एडिट करने के बाद जब मैं अपनी हब रेली की वीडियो को फाइनलाइज कर रहा था, मतलब इट वाज ऑन प्रीमियर रेंडरिंग, जब वो प्रीमियर के ऊपर रेंडर हो रही थी, तभी अचानक से लैपटॉप हैंग हो गया, मतलब टोटली बिजी, बिल्कुल स्टक हो गया। आई वाज लाइक कि शायद रेंडर हैवी है तो ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी हार्ड ड्राइव रिमूव की और लैपटॉप रीस्टार्ट किया और हार्ड ड्राइव को दोबारा कनेक्ट किया, लेकिन जैसे ही मैंने हार्ड ड्राइव को दोबारा कनेक्ट किया, इट शोज एन एरर जिसने मुझे हिला के रख दी। इट शोज अनेबल टू डिटेक्ट, मतलब कि वो हार्ड ड्राइव शो तो हो रही थी कि वो पीसी से कनेक्ट हो रही है, बट जैसे ही मैं उसको खोलने की कोशिश करता था, इट वाज अनेबल टू एक्सेस, मतलब वो बिजी पे चले जाती थी, मतलब उसका अंदर का डाटा एक्सेस नहीं हो पा रहा था। आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत कोशिश की उसे एक्सेस करने की, बट किसी भी तरीके से वो रिकवर नहीं हो रही थी, मतलब कि उस डाटे तक एक्सेस ही नहीं हो रहा था। तो एवरीथिंग, झलमक्सी की वीडियो भी उसी में थी, अप्रॉक्सीमेटली आई हैव 32 प्लस वीडियोस जो उसमें पेंडिंग थी, वो सब बीच में चली गई। फिर मैं उसको शॉप पे लेके गया कि शायद कुछ चांस होगा, तो दे चेक्ड अ लॉट, देन दे सेड कि आप 2 दिन बाद आएँ, हम कोशिश करेंगे डाटा रिकवर करने की, बट वी डिडेंट श्योर यू कि डाटा वापस आ जाए। मतलब कि 3 साल की मेहनत 3 मिनट में खायब हो गई, और वहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया 2 दिन के लिए। तो आई वॉज लाइक कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार मैंने इतनी मेहनत से कुछ चीज़ें बनाई और वो 2 मिनट में खायब हो गई। ये हुआ क्यों, मेरे ख्याल में वायरस की वजह से। मैंने एक कार्ड लगाया जिसमें वायरस था, मैंने जब उसका डाटा कॉपी करके डायरेक्ट अपने हार्ड ड्राइव में रखा विदाउट स्कैन किए, उसने उसकी पूरी रूट्स तक वायरस को भेज दिया, जिसकी वजह से वो बिजी हो गई, मतलब यानी कि वो अब एक्सेस ही नहीं हो रही। तो उसके अंदर मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे, वो सब चले गए। अभी भी वो हार्ड ड्राइव गई हुई है, मैंने मतलब वो सदर में दी है कराची में, कि उसका वो डाटा रिट्राइव करें, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू रिट्राइव द डाटा। अगर रिट्राइव हो जाता है फिर तो कुछ वीडियोस मिलेंगी आपको देखने को, बट अगर रिट्राइव नहीं होता जानी, तो मतलब सीन फ्लैश ऑफ है, सारा डाटा इरेज हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, एंड आई हैव टू परचेज अ न्यू हार्ड ड्राइव, जिसके लिए मेरे पास तो पैसे नहीं है भाई। तो दिस इज़ माई स्टोरी यार, मतलब यानी कि मैं अभी भी इस उम्मीद पे हूँ कि शायद डाटा रिट्राइव हो जाए, क्योंकि उसमें मेरी फोटोग्राफी के सारा डाटा, जो मतलब अब तक 3 साल मेरे हर फ़ोन से जितनी भी पिक्चर्स ली गई हैं सब उसमें थी, जो भी मेरी वीडियोज़ मैंने अब तक बनाई हैं सब उसमें थी, मतलब लाइक लास्ट ईयर की झलमक्सी एवरीथिंग, जितने भी मेरा पाकिस्तान टूर का सारा डाटा था उसमें, जो मुझे दिलो जान से अजीज था, वो भी गया। दैट नॉट सो फेयर कि जब आप इतनी स्ट्रगल करें, इतनी मेहनत करें, और वो डाटा 5 मिनट में गायब हो जाए, तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। मैं एक्सप्रेस नहीं करना चाह कर सक रहा वो चीज़ जो मैं फील कर रहा हूँ, क्या मैंने बहुत मेहनत की उस सब चीज़ों को कलेक्ट करने में, जमा करने में, और अब वो मेरे पास नहीं है। मतलब मेरे पास हार्ड ड्राइव का ये केस तो है, लेकिन इसके अंदर की हार्ड ड्राइव नहीं है। तो अभी हम अच्छी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि शायद हार्ड ड्राइव रिट्राइव हो, हार्ड ड्राइव का डाटा वापस आ जाए, तो हमें थोड़ा कुछ सुकून आए।
तो इसीलिए हम बिल्कुल यूट्यूब की गलियों से गायब थे। हाँ वैसे अभी तो और कुछ कहने को खास नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा हार्ड ड्राइव का डाटा वापस आया जानीस तो आपको बहुत कमाल कमाल की वीडियोस मिलेंगी देखने को, इस बात का गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो यार आप लोग दुआ करें कि वो हार्ड ड्राइव का डाटा वापस आए ताकि कुछ वीडियोज़ अपलोड हो और कुछ पिक्चर्स मेरे इंस्टाग्राम पर अपलोड हों ताकि मैं वो आप लोगों को दिखा सकूँ। तो बस यार दिस इज़ माई टोटल स्टोरी कि मैं इतने टाइम तक कहाँ गायब था। तो अगर अब 2-3 दिन में हार्ड ड्राइव वापस आती है तो हम भी वापस आएंगे इस उम्मीद के साथ कि बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो कीप प्रेइंग फॉर मी यार डाटा वापस आ जाए और हार्ड ड्राइव भी सही हो जाए।